बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक स्पेनिश डिश पायला बनाना सिखाऊंगी, जो कि स्पेन की मशहूर डिश है और इसे सिर्फ स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और ये भी आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी रेसिपी मेरी बेटी सारा, जो कि 13 साल की है, उसकी रेसिपी है। लिहाजा ये सारा क्रेडिट मेरा नहीं बल्कि मेरी बेटी सारा का है, जिसने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी दी। लिहाजा थैंक यू वेरी मच सारा, मैं आपकी रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पायला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन 1 किलो, झींगे 300 ग्राम धोकर पानी बिल्कुल खुश कर लीजिएगा। और एक और बात बता दी जाऊं, नॉर्मली पायला में सी फूड डलता है, लेकिन अगर आप प्रॉन्स पसंद नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ चिकन डाल लीजिएगा। इसके अलावा चावल चाहिए होंगे 400 ग्राम, मैं सेला चावल ले रही हूं। आप चाहें तो यास्मीन राइस, कार्नारोली राइस या सेला राइस, जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं। प्याज मीडियम साइज के 2 अदद बारीक काट लीजिएगा। टमाटर 4 अदद, जिन्हें लंबाई में इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिएगा। शिमला मिर्च 1 अदद, मैं रेड कलर में ले रही हूं, अगर आप ग्रीन कलर में लेना चाहते हैं तो ग्रीन कलर की ले लीजिएगा और इसे भी लंबाई में इस तरह काट लीजिएगा। मटर चाहिए होंगे 1 कप और 10 अदद ब्लैक ऑलिव्स। चाप किया हुआ लहसुन 5 जवे। तेल 1/4 कप। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें 1.5 टीस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। जाफरान 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे जरूरत और 2 अदद चिकन क्यूब चाहिए होंगी, और नमक जरा एहतियात से डालिएगा क्योंकि हम इसमें 2 अदद चिकन क्यूब्स भी डाल रहे हैं। सबसे पहले आप प्रॉन्स में 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और नमक मिलाकर रख लें। प्रांस में कुटी हुई काली मिर्चें और नमक मिलाने के बाद आप चिकन को भी मैरिनेट कर लें, और इसमें आप डाल दें सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक, और इसे अच्छी तरह से मिला लें। चिकन और प्रांस को मैरिनेट करने के बाद आप तेल गरम कर लें। और इसमें प्रॉन्स को डालकर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। चार से पांच मिनट प्रॉन्स को फ्राई करने के बाद आप प्रॉन्स निकाल लें। प्रॉन्स निकालने के बाद फिर आप इसी तेल में चिकन डाल दें और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसमें डाल दें लहसुन, प्याज, शिमला मिर्चें और टमाटर, और इन्हें थोड़ा सा भून लें। और साथ ही आप चावलों को धोकर पानी में भी घोल लें। और जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और सब्जियां थोड़ी सी भून जाएं, तो इसमें से आप आधे टमाटर निकाल लें। इसके बाद आप इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल लें और चिकन क्यूब और नमक भी डाल लें। चिकन क्यूब और नमक, और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए तो आप इसमें प्रॉन्स, मटर, ब्लैक ऑलिव्स
और ज़ाफ़रान डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और जब पानी में दोबारा बॉईल आ जाए तो आप चावलों में से पानी निचोड़कर चावल इसमें डाल दें। और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और नमक भी चेक कर लीजिए। और जब चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे दें। पूरे 15 मिनट के बाद पायला तैयार हो चुका है। अब इसका दम मैं खोलूंगी। और ऊपर आप ये टमाटर डाल दीजिए। लीजिए, पायला तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा और जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, हजरत अबू हरेरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान आयते सजदा पढ़े फिर सजदे में चला जाए तो शैतान एक तरफ को होकर रोता है और कहता है कि आदमी का सत्यानाश हो, आदम के बेटे को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा कर लिया, अब इसको जन्नत मिलेगी, और मुझे सजदा का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार कर दिया, अब मेरा ठिकाना दोजख है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।